महाराष्ट्र के बदरापुर रेपकांड के आरोपी अक्षय शिंदे की गोली लगने से मौत, पुलिस के साथ झड़प में हुआ था गंभीर रूप से घायल। पुलिस की बंदूक छीनकर आरोपी अक्षय ने पहले चलाई थी गोली, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी पुलिस। यूपी में अनुज सिंह एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स फुल, सीएम योगी का अटैक, कहा जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का पलटवार, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था अनुज प्रताप सिंह, उन्नाव में एसटीएफ ने किया ढेर। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी, हरियाणा के टोहाना में बोले कुमारी शैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा अभी चुनाव है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा हरियाणा में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में सब एकजुट, कांग्रेस की होगी एक तरफा जीत, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दावा। कांग्रेस में शामिल हुए सतपाल और बीना राठी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले पार्टी की ताकत बढ़ेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर दबलेन के लिए किया प्रचार, कहा 5 अक्टूबर को परिवर्तन के लिए करें वोट। कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना, कहा कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सैनी का हरियाणा के युवाओं को भरोसा, कहा नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए होंगे बंद। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, केजरीवाल वाली कुर्सी खाली छोड़ी, कहा भरत की तरह खड़ाऊ रखकर दिल्ली संभालूंगी। आतिशी की कुर्सी खाली छोड़ने पर बोले गोपाल राय, उन्होंने अपनी इच्छा से इस तरह से सबके सामने रखी। बीजेपी का आतिशी पर अटैक, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले दिल्ली में आपका ड्रामा फिर शुरू। क्या आतिशी खुद को दिल्ली का सीएम नहीं मानती? कुर्सी खाली छोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पूछा सवाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ से राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा पीएम अब विपक्ष के सामने झुकने को मजबूर, इंडिया गठबंधन ने मोदी को तोड़ा। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर सादा निशाना, कहा ये जम्मू कश्मीर से लेकर दूसरे राज्यों में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे, श्रीनगर की जनता से राहुल गांधी ने किया वादा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर पलटवार, कांग्रेस की फैलाई नफरत की वजह से जम्मू कश्मीर 30 साल तक आतंक में साए में रहा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी के लिए मांगे वोट, कहा कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ रही। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में किया चुनाव प्रचार, कहा 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरी छीनी जा रही। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में गुलाम नबी आजाद ने किया रोड शो, डीपीएपी के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, एमपी सीएम बोले जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले राज ठाकरे, सीएम आवास शिव तीर्थ पर हुई बैठक। आदिवासियों को धोखा देने वालों पर होगा सख्त एक्शन, झारखंड के खूंटी में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्याम रजक बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामदास अठावले पर ली चुटकी, कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं लेकिन यह तय है रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। झारखंड के बहरा गोड़ा में मामा भांजे की जोड़ी का जबरदस्त अंदाज, शिवराज सिंह चौहान की रैली में उमड़ी भीड़, भारी बारिश के बीच बीजेपी समर्थकों से मिले शिवराज सिंह चौहान। रैली में शिवराज के समर्थन में लगे मामा मामा के नारे, मंच पर महिलाओं ने भैया शिवराज सिंह को सौंपी गांव की माटी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड में बीजेपी की सरकार लाई, यहां की माटी बेटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने राउंड टेबल मीटिंग की, कहा भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। पीएम मोदी बोले भारत में टैलेंट बाजार और लोकतंत्र है, निवेश की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। पीएम ने रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म को मंत्र बताया, कहा हम सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की, भारत कुवैत संबंधों पर हुई चर्चा। नेपाल के पीएम केपी ओली के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, भारत नेपाल के बहुआयामी साझेदारी पर हुई बात। वांतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ी, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में जेल में बंद है आप विधायक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा, कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का यूज ना करें सभी कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई टली, 25 सितंबर को सुनवाई। यूपी के मिर्जापुर में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, बिना भेदभाव के सभी जाति और धर्म के लोगों को योजनाओं से जोड़ रहे हैं सीएम योगी का बयान। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 3 गौ तस्करों समेत 6 बदमाशों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 21 सितंबर को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से जारी है अभियान। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए महाशांति होमम किया गया, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी और पुजारी शामिल। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद बैन, मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने जारी किया आदेश।
मथुरा खाद्य विभाग की टीम का एक्शन, मांके बिहारी मंदिर के पास की दुकानों में प्रसाद की जांच की।